और चलिए अब आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के डूंगरपुर में एक वायरल वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो दीपिका पाटीदार नाम की एक ऐसी युवती का है जो इस वक्त कुवैत में है और अब धर्म बदलने के बाद उसका नाम हो चुका है नजीरा। दीपिका दो बच्चों की मां है। दीपिका के लापता होने के बाद 13 जून को दीपिका के पति ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया। लंबे समय के बाद दीपिका उर्फ नजीरा का वीडियो सामने आया और उसके बाद उसके धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने का खुलासा हुआ। तो दीपिका ने खुद हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूलने की बात भी कही है। दीपिका का जो वायरल हुआ वीडियो है, 4 मिनट 59 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें दीपिका खुद को नजीरा बता रही है। इस वीडियो में दीपिका ने आरोप लगाया है कि उसने अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना और गलत व्यवहार की वजह से अपना घर छोड़ा है। दीपिका उर्फ नजीरा का आरोप है कि पति ने उसका साथ नहीं दिया और इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। दीपिका डूंगरपुर जिले के चित्रे इलाके की रहने वाली है। यहाँ के भीमई गांव में उसका घर है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब दीपिका के परिजन उसे लव जिहाद का शिकार बता रहे हैं। तो दीपिका जो अब बन चुकी है नजीरा, राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली और वायरल वीडियो में इस्लाम कबूलने का दावा किया जा रहा है, यानी कि दीपिका उर्फ नजीरा जो अब नजीरा बन चुकी है, दो बच्चों को छोड़कर वो कुवैत चली गई थी। हालांकि वो आरोप ये लगा रही है कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता था, कुवैत में उसने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन परिवार वाले लव जिहाद की बात कह रहे हैं। कुवैत में दीपिका ने अपना धर्म बदला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नजीरा, दीपिका उर्फ नजीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को, मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे। पर जब आप मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। तो यही वो वायरल वीडियो है जो राजस्थान की डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका ने जारी किया है और उसमें अपने धन परिवर्तन की बात भी कबूली है। परिवार वालों पर आरोप लगाती हुई दीपिका नजर आई, जिसमें उसने कहा कि परिवार की वजह से उसने अपना घर छोड़ा और अब वो नजीरा बन चुकी है। इससे पहले आपने देखा अंजू फातिमा बन गई थी। अंजू जो कि राजस्थान की ही रहने वाली थी, वो पाकिस्तान पहुंची, वहां पर उसने शादी रचाई और उसके बाद फातिमा बन गई। और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका अब नजीरा बन गई है। बड़ा सवाल ये कि खुद अपनी मर्जी से या लव जिहाद का शिकार, क्योंकि दीपिका के परिजन तो कम से कम यही कह रहे हैं कि लव जिहाद का शिकार हुई, आशंका जता रहे हैं वो। हालांकि दीपिका ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आई है। और साथ ही में जो तस्वीर आप अंजू बनी फातिमा की देख रहे हैं, जो ये वीडियो, अंजू का भी यही दावा था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं पाकिस्तान। और वहीं दीपिका जो कि अब नजीरा बन चुकी है, उनके पति का इस पर क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। मैंने बाद में शाम को फ़ोन किया 4 बजे, वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुंची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाई हूँ। कभी एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है गाड़ी लेट ऐसा है। तो मैं ठीक है करके शाम को फ़ोन करती है करके उसने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सअप कॉल आया, तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP News पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।